बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर गुड एंड सेफ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम यूनिट नंबर 1 गुलिवर इन लिलीपुट हम कर रहे थे। हमारा लास्ट 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो उसकी रीडिंग रह गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हाँ जी, ओपन पेज नंबर 13। प्रीवियस में हमने गुलिवर के बारे में हमने पढ़ा था कि गुलिवर किस तरह जो है वो लिलीपुट में पहुंचता है और वहाँ पे उसको कैसे लिलीपुटेंस से वास्ता पड़ता है कि वो बिल्कुल छोटी छोटी मखलूक होती हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, यानी बोने टाइप लोग होते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे जब वो अपने आप को पाता है तो अपने आप को रस्सियों में बंधा हुआ देखता है, वो हरकत नहीं कर सकता। और अचानक उसको आवाज़ें आती हैं और देखते हैं छोटे छोटे लोग जो हैं वो इसके इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं, और जैसे वो अपने आप को बचाना मतलब वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करते हैं तो वो छोटे छोटे लोग जो हैं वो उसको अपने तीर से और नेज़ों से उसको मारते हैं और वो अपने आप को वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं, हमने पेज नंबर 13 में सेकंड लास्ट हमारा पैराग्राफ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं, देन दे बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म, इट्स टॉप वॉज अबाउट 18 inches फ्राम द ग्राउंड। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो जैसे ही उसने मज़ाहमत की, यानी कि स्ट्रगल की कि वो वहाँ से उठे, वहाँ से मतलब हरकत करे, तो उस पर इतने ज़्यादा उन लोगों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। कहते हैं कि फिर उसने ये फैसला किया कि उसको आराम से लेटे रहना चाहिए, और जैसे ही उसने इस तरह किया कि वो बिल्कुल स्टिल होकर लेट गया तो उन्होंने तीर फेंकने उस पर बंद कर दिए। कहते हैं कि देन दे बिल्ट अ लिटिल प्लेटफॉर्म, उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया। इट्स टॉप वॉज अबाउट 18 inches, उसका टॉप जो है वो 18 inches थी फ्रॉम द ग्राउंड से। वन ऑफ द लिटिल मैन बिगेन टू स्पीक, ठीक है, यानी उससे बात करने के लिए ना, इससे गुलिवर से, वन ऑफ द लिटिल मैन, उन आदमियों में से एक ने जो क्या बोलना शुरू किया, यानी बात करना शुरू किया, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट ही सेड। कहते हैं वो मुझसे बात कर रहा था लेकिन मुझे उसके बात की समझ नहीं आ रही थी, मुझे नहीं मालूम हो रहा था कि वो मुझसे क्या कह रहा है। आई वॉज इन पेन, कहते हैं और एक तो मुझे तकलीफ भी हो रही थी, बिकॉज इट वॉज सो हॉट, ओपन माई माउथ, कहते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और कहते हैं आई ओपन माई माउथ एंड पॉइंटेड टू इट बिकॉज आई वॉज हंग्री, कहते कि मैंने अपने मुँह की तरफ इशारा किया कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ही अंडरस्टूड, अब उस शख्स को उसकी बात की समझ आ गई कि ये क्या कह रहे हैं ना। ही ऑर्डर्ड सम पीपल टू प्लेस लेटर अगेंस्ट माई साइड्स एंड दिस दे डिड एट वंस। अच्छा, कहता है ही ऑर्डर्ड, उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वो उसके साथ जो है वो सीढ़ियाँ ला के रख दें उसके साइड्स पे, और उन्होंने एकदम ऐसे ही किया। मोर देन 100 मैन क्लाइंट द लेडर कैरियन, कहते हैं कि तकरीबन 100 के करीब जो हैं वो उस लेडर के ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने बास्केट में उसके लिए ब्रेड और मीट लेके आए। कहते हैं कि तकरीबन 100 के करीब लोग थे जो उस सीढ़ियों पे चढ़ते हुए मेरे लिए बास्केट में ब्रेड और मीट लेके आए। देयर लोब्स ऑफ ब्रेड वर सो स्मॉल, कहते हैं कि उनके ब्रेड के लोब्स जो थे, ब्रेड इतनी छोटी थी कि दैट आई एट 3 ऑफ देम एट अ टाइम, कहते मैं एकदम जो है वो मतलब एक ही उसमें 3 जो है वो मैं इजीली उसको खा लेता था। द लिटिल पीपल वर प्लीज्ड, लिटिल पीपल जो हैं छोटे लोग जो थे या बोने जो थे वो बहुत खुश हो रहे थे, बिकॉज आई हैड ईटन देयर फूड, क्योंकि मैं उनका खाना खा रहा था कि जो कुछ वो लेके आए थे। बट व्हेन आई वांटेड टू बी फ्री, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करता कि मैं यहाँ से निकलूँ या अपनी जान बचाऊँ या अपने आप को आज़ाद करूँ, दे मेड इट क्लियर, उन्होंने ये मुझे क्लियरली बता दिया, समझा दिया, आई कुड हैव फूड, कि उसको खाना तो मिल सकता है बट नॉट माई फ्रीडम, लेकिन उसको यानी मुझे जो है वो आज़ादी नहीं मिल सकती। ठीक है, ये राइटर का नेम है जॉनथन स्विफ्ट, ये इसका नावल है। ठीक है, अभी हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं बुक में से। जो आप मैंने आपको कहा था, मैंने कहा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करने हैं। हाँ जी, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एडवेंचर्स,
पहले आप लोगों ने नीट कॉपीज पे इसको लिखने से पहले ये देखना है, कॉपी पे आपने टाइटल पेज बनाना है, ठीक है, लेसन नंबर वन गुलिवर इन लिलीपुट, अच्छा सा एक टाइटल पेज बना के उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने काम जो है वो स्टार्ट करना है। पहले तो आप फोर लाइंस पे कॉपी पे नोटबुक पे लिखते थे, लेकिन अभी आपने नैरो लाइंस कॉपी लेनी है, उस पर लिखना है। अगर आपकी राइटिंग इस तरह की है बड़ा बड़ा लिखते हुए जैसे, तो फिर आप एक लाइन छोड़ के लिखें। लेकिन अब भी एक लाइन छोड़ के लिखने का ये है कि मतलब उस तरह थोड़ा सा अच्छा काम नहीं होगा। आप छोटा छोटा करके लिखें, बहुत छोटा भी ना लिखें, बहुत बड़ा भी ना लिखें, अच्छा अच्छा करके लिखें। लेसन की हेडिंग दें, ठीक है, गुलिवर इन लिलीपुट। पहले आपने टाइटल पेज तो वो बनाना ही है, वो अच्छा सा करके प्यारा सा करके बनाएं। नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग दे दें, लेसन नंबर वन गुलिवर इन लिलीपुट। फिर ऊपर हेडिंग दे डिक्टेशन वर्ड्स, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड है एडवेंचर्स, वोएज, पैसिफिक ओशन, लैंडेड, लिलीपुट, टाइट, सरप्राइज्ड, शाउटेड, बो एंड एरो, स्पीयर, फ्राइट, अनकंफर्टेबल, पेनफुल, स्टेक्स, लूजनिंग, नीडल्स, लाई, लेडर, लोब्स, प्लीज्ड और फ्रीडम। ये एटलीस्ट हमारे पास बन जाते हैं 21 और 22। ये आपने अच्छे अच्छे करके अपनी नीट कॉपीज पे उतारना है और बहुत अच्छा करके लिखना है, नीट नीट लिखना है, ठीक है। राइटिंग अपनी अच्छी रखनी है, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड जो है वो कौन सी किस सीक्वेंस से आ रहे हैं, और बिल्कुल अच्छा करके नीट करके लिखना है, सही। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन वर्ड्स को आप बार बार रीड आउट करने की कोशिश करें, इनके स्पेलिंग्स आपको अच्छे तरीके से आते हों, पढ़ना अच्छा तरीके से आता हो, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।